हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेड़ा। बेड़ा का मतलब होता है समय, खुड़ुक में बेड़ा बोलते हैं और हिंदी में समय बोलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए डेली खुड़ुक में नया नया वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो बेड़ा का मतलब क्या होता है? समय, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं थोड़ी देर, कुछ देर, बहुत देर, एक साल, इस तरह से बोलते हैं, उसी को हम लोग खुड़ुक में कैसे बोलेंगे वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास टर्म उंगुड़ भैर। तो ये खुड़ुक का टर्म है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? उंगुड़ भैर ये होता है थोड़ी देर। तो अगर हम लोग को थोड़ी देर बोलना हो खुड़ुक में तो क्या बोलेंगे? उंगुड़ भैर। फिर आता है हमारा दूसरा टर्म है ओंद घड़ी। तो ओंद घड़ी किसको बोलते हैं हम लोग? तो अगर हम लोग को खुड़ुक में अगर एक घंटा बोलना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओंद घड़ी। तो ये हो गया हमारा ओंद घड़ी का मतलब एक घंटा। फिर उसी तरह से थर्ड टर्म है हमारे पास अजम घड़ी। अजम घड़ी का मतलब क्या होता है? बहुत देर। तो अगर हम लोग को बहुत देर बोलना हो कुड़ुक में तो उसको हम लोग बोलेंगे अजम घड़ी। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है भैर उल्ला। उल्ला का मतलब होता है दिन और भैर का मतलब होता है पूरा। तो कुड़ुक में भैर उल्ला बोलते हैं हम लोग और हिंदी में से वो क्या बोलेंगे? पूरा दिन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है भैर माखा। माखा का मतलब क्या होता है? रात। भैर माखा का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा रात। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म पिसा बीरी, है ना। तो इसका मतलब होता है शाम का समय। तो अगर हम लोग खुड़ुक में शाम का समय बोलना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिसा बीरी। तो ये हो गया हमारे पास शाम का समय। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास गोट्टा चंदो। तो चंदो का मतलब चांद होता है और गोट्टा चंदो यहाँ कहने का मतलब है पूरा चांद, अगर इसको हम लोग सिर्फ शब्द का ट्रांसलेशन ले तो। और जब हम इसका समय पे उपयोग करते हैं तो गोट्टा चंदो का मतलब होता है पूरा महीना, है ना। तो इसको पूरा माँ हम लोग बोलते हैं, पूरा महीना बोलना होगा तो उसको हम लोग गोट्टा चंदो बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म साल या चन्ना भैर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है साल भर। तो साल भर बोलना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साल भैर या फिर चन्ना भैर, साल भर। उसके बाद आया हमारे पास नेक्स्ट टर्म उजना गुटी। और ये गुटी तो इसका मतलब क्या होगा? जीवन भर। तो समय के रूप में हम इसको बोलना चाहें जीवन भर कुड़ुक में तो इसको हम लोग बोलेंगे उजला गुटी। तो ये हो गया जीवन भर। फिर दसो खेप, ये तो पिछला ही वीडियो में देखा था हमने, इसका मतलब होता है दस बार। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म खूटी खूटी। तो खूटी खूटी किसको बोलते हैं हम लोग? युग युग को। तो कुड़ुक में अगर हमको युग युग टर्म इस्तेमाल करना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खूटी खूटी। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोंगा मोंगा। तो हमारा इसका मतलब होता है हिंदी में कभी कभी। तो ये हो गया कभी कभी। तो अगर हम लोग को खुड़ुक में कभी कभी बोलना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोंगा मोंगा। फिर आ गया हमारे पास घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का मतलब बार बार। तो अगर हम लोग को कहीं पर यूज करना होगा बार बार वाला वर्ड तो उसको हम लोग घड़ी घड़ी बोलेंगे। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म उर्मी बारी। तो इसका मतलब होता है हर समय। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।